principio que सर मेरा एक क्वेश्चन था. बोलिए सर, मेरा सब्जेक्ट अदर देन स्टोर है, तो ये क्लास अटेंड करने का मतलब है कुछ? अब ये आप बेहतर बताइए कि अटेंड करने की जरूरत है कि नहीं. कुछ क्लास में आपने बोला है ना कि कुछ चीजें लिंक करती हैं. हाँ, तो मेरा ये मैंने पिछले बार भी, अच्छा आप लोगों को मैंने पहले एक मैसेज किया था कि किसको करना है किसको नहीं करना है, ये मैसेज करे, तो मेरे मैसेज को किसी ने तवज्जो नहीं दिया. वो तो आज मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया, नेक्स्ट कल से मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा, क्योंकि कल को आप बोलने लगेंगे कि हमने तो केवल फैक्ट्री अकाउंटिंग के लिए आपको से बात की थी, आपने स्टोर प्रोसीजर पढ़ाया तो वो आप जानिए. तो मैं कल से स्टोर प्रोसीजर या दूसरी क्लासेस बिल्कुल भी नहीं उस ग्रुप में डालूंगा, जो कि केवल फैक्ट्री. सर क्या इशू, क्या हुआ था सर? सर उससे दिक्कत क्या है? क्या हुआ था सर? दिक्कत क्या है सर? सर उससे दिक्कत क्या है? नहीं चलने दीजिए. नहीं नहीं देखिए सर, कहीं से भी तो सीखने को मिलेगा. नहीं सुनिए, देखिए साउंड बंद करिए जिसका भी है. तो देखिए आप लोग 20-25 लोग जो हैं वो तो एग्री कर जाएंगे, पर एक ने भी ये बोल दिया कि मैंने तो केवल फैक्ट्री अकाउंटिंग के लिए आपसे बात करी थी, आपने मेरा कोर्स तो सर, और सर वो अटेंड ना करें उसके लिए तो करने लिए तो जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. सीधी बात है. तो आप लोग उस दिन वो ना अटेंड करें, जिसको जिसको नहीं वो ना करे वो ठीक है. आप एक मैसेज मेरे को छोड़ दीजिए तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को ये मेरी वाली क्लास चाहिए है. ये वाली ज्यादातर लोग पक्ष में हैं, ज्यादातर लोग पक्ष में हैं, ज्यादातर जी होंगे मेरे को मालूम है, पर एक आदमी यदि एक मिनट, एक आदमी ने भी तो हाँ मेरे को एक आदमी ने भी यदि बोल दिया कि नहीं. लीजिए आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है. आप शेयर ये यहाँ पे आप लोग डिलीट कर दीजिएगा. अब इसको आईएफडी को आप समझ लीजिए. आईएफडी मतलब एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री के लिए जब माल दिया जाता है तो आईएफडी के बेस पे दिया जाता है. अब मैं कल जैसे मैंने बताया था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया को मान लीजिए ये आइटम चांदा फैक्ट्री से चाहिए, तो चांदा फैक्ट्री को खमरिया फैक्ट्री एक आईएफडी प्लेस करेगी, आईएफडी का माल बना करके उसके बेस पे माल बना करके चांदा फैक्ट्री खमरिया फैक्ट्री को सप्लाई करेगी. अब मान लीजिए कि जैसे कि आज की डेट में ये हो गया कि 7 पीएसयूज बन गए हैं, और पहले के समय में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सारी फैक्ट्रियां एक दूसरे की सिस्टर फैक्ट्री कहलाती थी, तो उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होते थे उनको इंटर फैक्ट्री डिमांड के तहत कंप्लीट किया जाता था. पर आज की डेट में जब 7 पीएसयूज बन गए तो अब आईएफडी का रूप थोड़ा सा बदल गया. अब इसको आप लोग लिख लीजिए. एक हो गया विद इन यूनिट, विद इन जैसे मान लीजिए एमआईएल के अंदर में 12 यूनिट फैक्ट्रीज हैं, तो वो यदि एक दूसरे के बीच में ट्रांजेक्शन करेंगी तो इंट्रा आईएफडी कहलाएगा. मतलब कि आपकी यूनिट के अंदर ही जो भी काम हो रहा है, एवीएनएल की फैक्ट्रीज हैं, यंत्र इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्रीज हैं, वो आपस में यदि ट्रांजेक्शन करेंगी तो वो आईएफडी करेंगी, इंट्रा आईएफडी कहलाएगा. और जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट को एमआईएल वाईआईएल को दे, एमआईएल एवीएनएल को दे, या एवीएनएल वाईआईएल से मटेरियल लेगा तो उसको इंटर आईएफडी कहा जाएगा. दोनों अलग अलग चीजें हो गई हैं. इसको ऐसे लिख लेते हैं हम.
यही जो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो चेंजेस आए हैं इसी के बारे में कहा जा रहा है कि फैक्ट्री अकाउंटिंग में क्या चेंजेस आए। इंट्रा आइए ये हो गया विद इन यूनिट और दूसरा हो गया इंटर आईएफडी। मतलब जो मैंने बता ही दिया है कि एक MIL के अंदर मान लीजिए 12 फैक्ट्रीज हैं, 12 फैक्ट्रियों में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो इंट्रा IFD कहलाएगा। जब MIL दूसरी फैक्ट्री दूसरी यूनिट को PSU उसको सप्लाई करेगी तो इंटर IFD। तो इंट्रा IFD में पुराने के जैसे ये अभी इनके वर्क ऑर्डर जो थे 70/ ये चेंजेस हो जाएंगे। ये अलग अलग यूनिट ने इसके लिए अलग अलग वर्क ऑर्डर अलॉट कर दिए। मान लीजिए MIL यदि चल मतलब कि मटेरियल सप्लाई कर रहा है विद इन अपने MIL तो उसके लिए कोई और एक वर्क ऑर्डर दिया है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, मान लीजिए उसको 78 है, तो ऐसा करके चेंजेस आएंगे। तो ये वर्क ऑर्डर अभी 70 से बदल करके पर आपको जब क्वेश्चन किया जाएगा तो इसी को किया जाएगा। केवल और केवल क्वेश्चन यदि नेक्स्ट उससे बनाएंगे तो केवल ये चीज पूछी जा सकती है। वर्क ऑर्डर तब भी यदि पूछा जाएगा तो आपको यही 70 ही यूज करना है क्योंकि हर एक PSUs ने क्या क्या वर्क ऑर्डर दिए हैं ना मेरे को मालूम ना सबको मालूम, तो उस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो पूछा जाएगा 70 या जो चेंजेस आए हैं विद इन यूनिट के लिए क्या है, आउटसाइड यूनिट के लिए क्या है, बस इसमें यही बनेगा। अब और एक और चेंज आया है कि जो इंट्रा IFD रहता है तो पहले के जैसे पैसे का ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि एक और चीज चेंज आई इसको समझने के पहले। पहले हमारा जो भी कैश का ट्रांजेक्शन होता था वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता था। रिजर्व बैंक का एक अकाउंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे ही सारे पैसे का ट्रांजेक्शन होता था। मिलिट्री का भी खाता या आर्मी नेवी एयरफोर्स सबके खाते इधर पे और केवल बुक ट्रांसफर होता था। आर्मी को हमने सामान भेजा तो अकाउंट ऑफिसर को एक अथॉरिटी रहती थी कि आर्मी के हेड से पैसा निकाल करके वो हमारे हेड में डाल दे और एयरफोर्स का पैसा है तो एयरफोर्स के हेड से निकाल के हमारे। तो बेसिकली सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ही ट्रांजिट होता था। पर अभी जब से ये PSUs बना है तो हमारे मतलब कि जो भी PSUs हैं और आर्मी है नेवी है एयरफोर्स है इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। जब डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं तो जो चेंजेस आए हैं मैं वो बता रहा हूं अभी। 60% पैसा एडवांस में
ईयर के शुरू में आर्मी नेवी एयरफोर्स ने जितना आपको इंडेंट दिया या कॉन्ट्रैक्ट किया उसका 60% पैसा आपके मतलब कि हेडक्वार्टर के एक अकाउंट में डाल दिया गया। अब 40% पैसा तब देंगे आर्मी नेवी एयरफोर्स जब हम उनको माल सप्लाई करेंगे 40% बचा हुआ माल, तो उसके हिसाब से वो पैसा बिल सबमिट करेंगे तो वो पैसा हमारे को ट्रांसफर करेंगे। तो ये चीज तो एक चेंजेस आए आर्मी नेवी एयरफोर्स में। डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका इसे आईएफडी में इंटर आईएफडी में भी अब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सबके बीच में डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट ही साइन हो रहा है। तो इनके डिफरेंट यूनिट्स के बीच में डिफरेंट सातों पीएसयूज के बीच में जब ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो पहले तो ऐसा होता था कि एक फैक्ट्री ने दूसरे को फैक्ट्री भेज दिया तो इसमें पैसे का ट्रांजेक्शन्स नहीं होता था। अब इंटर आईएफडी में जब यदि ट्रांसफर हो रहा है पैसा, तो जैसे हम आर्मी नेवी एयरफोर्स से 60% ले रहे हैं वैसे ही 60% हम दूसरी फैक्ट्री से या दूसरी यूनिट से लेंगे और वो पैसा हमारा हेडक्वार्टर का जो भी मेन अकाउंट है, अकाउंटिंग सिस्टम भी अभी जो चेंज हुआ है हेडक्वार्टर में एक पेरेंट अकाउंट खोला है और इसके बाद में चाइल्ड अकाउंट कंसर्न यूनिट्स में खुले हैं। पेरेंट अकाउंट मतलब हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे का ट्रांजेक्शन होता रहता था, कोई भी पैसा उधर, अब तो ये फ्रॉड समुंदर है, समुंदर से इधर उधर निकाल करके जा सकते, पर अब ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आ गई। आपके हेडक्वार्टर को पैसा दे दिया गया नगद में, नगद का पूरा आप जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से जो भी आया पैसा हेडक्वार्टर के अकाउंट में जो जमा हुआ उसको पेरेंट अकाउंट कहते हैं। जो नीचे की फैक्ट्री उसी से लिंक अकाउंट खोलते, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हेडक्वार्टर ने अकाउंट खोला तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का के ही यहाँ उस जो फैक्ट्री है, मान लीजिए जबलपुर में हमारी फैक्ट्री है एमआईएल ग्रुप की, तो एमआईएल का एक खाता चाइल्ड अकाउंट खमरिया फैक्ट्री ने भी खोला। खमरिया फैक्ट्री जो भी ट्रांजेक्शन करेगी अपने अकाउंट में करेगी, बस केवल अंतर ये रहेगा कि जब पैसा लेना रहेगा अपने हेडक्वार्टर से तो हेडक्वार्टर हमारे को चाइल्ड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा, हम अपने अकाउंट से सैलरी वगैरह डिसबर्स करेंगे, इंडिविजुअल को करें चाहे किसी को भी करें, यदि फर्म को पेमेंट करना है तो हम अपने चाइल्ड अकाउंट से करेंगे। इसके साथ में एक और चेंजेस आया है कि यदि आपका पैसा बचता मतलब कि कुछ जैसे SWOD या किसी शॉप का या कहीं का भी पैसा आपके पास में आ गया, तो इस पैसे को आपको इमीडिएट विद इन 2 डेज मेन पेरेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि सारी अकाउंटेबिलिटी आज की डेट में बहुत स्ट्रांग होती जा रही। तो हेडक्वार्टर को मालूम होना चाहिए कि ये पैसा आया, आप अपने खाते में नहीं रखेंगे, क्योंकि आज की डेट में एक एक दिन का इंटरेस्ट मिलता सबको मालूम। पहले के जमाने में जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता था तो किसी को इंटरेस्ट से कोई मतलब ही नहीं था, आज की डेट में सिनेरियो बदल गया, एक एक दिन का करोड़ों अरबों रुपए अकाउंट में रहता है तो उसको यूं ही छोड़ नहीं दिया जाता है। करोड़ों अरबों रुपए का एक एक दिन का इंटरेस्ट बहुत होता है। तो आज हम ये आ गए हैं इस पे प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के रूप में हम वर्क कर रहे हैं,
पहले हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे, ना आर्मी नेवी एयरफोर्स से किसी से कोई भी हम वो नहीं लेते थे प्रॉफिट, पर आज की डेट में हमारा एक मोटो बदल गया, हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनने जा रहे हैं। तो एक एक रुपए का हिसाब किताब रखना, एक एक पैसे हमें कहाँ से बचेंगे उसका हिसाब किताब रखना हमारे लिए आवश्यक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हेडक्वार्टर में पैसा गया, तो ये पैसा आपकी फैक्ट्री को जरूरत है तो आपकी फैक्ट्री को दिया जाएगा, या दूसरी फैक्ट्री को जरूरत है तो दूसरी फैक्ट्री को। अब जो पैसा 60% आया हुआ था वो करोड़ों रुपए के रूप में आया, तो उसको इकट्ठा ऐसे ही करंट अकाउंट में नहीं रख के रखा हुआ, उन्होंने क्या किया कि FD कर दी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म FD कर दी है। उनको मालूम है कि हमारे को किस महीने में कितना पैसा अप्रोक्सीमेट चाहिए होगा, तो उसके हिसाब से FD कर दी गई कि उस महीने में जाकर के हम उसको ब्रेक कर देंगे और पैसा ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बेसिक चेंजेस आए हैं अभी। एक मिनट में बंद कर रहा हूं आपको, आप इसमें कोई सवाल है किसी को? बोलिए किसी को। हाँ बोलिए सर। सर इंटर IFD का ऑथोरिटी किसके पास होता है सर, GM के पास या CMD के पास, या किसके थ्रू वो प्रोसेस में होता है, हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर या डायरेक्ट फैक्ट्री टू फैक्ट्री? अभी फैक्ट्री टू फैक्ट्री भी हो रहा है, हेडक्वार्टर के जरिए भी हो रहा है। तो अभी बेसिकली चेंजेस अलग अलग यूनिट में अलग अलग तरीके से करके रखा। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अभी मतलब कि पूरी चीजें डिसाइड नहीं हुई है, कुछ यूनिट्स ऐसा है कि हेडक्वार्टर के थ्रू रूट हो रही, कुछ डायरेक्टली फैक्ट्री टू फैक्ट्री डिसाइड हो जा रहा है। तो मेनली अथॉरिटी किसको कहा जा सकता है, GM या CMD? GM को भी अथॉरिटी अभी दी हुई है, CMD को भी अथॉरिटी है, दोनों लेवल पे हो रही है, क्योंकि अभी ये सिस्टम बदल रहा है। तो एकदम से चीजों को मतलब कि वो नहीं कर दिया गया, पहले भी GM टू GM हो जाती थी चीजें, आज भी GM टू GM हो जा रही, कुछ लोग CMD के थ्रू मतलब हेडक्वार्टर के थ्रू भी रूट हो रही है, पर अभी फैक्ट्री टू फैक्ट्री ही चल रहा है जैसा पुराना सिस्टम में। बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुए हैं। सर थैंक यू सर। बोलिए और कोई सवाल? सर इंटरव्यू होगी तो आवाज आपकी क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रही है। जैसे इंट्रा IFD हो रही है, हाँ, तो उसमें पैसा क्या एक दूसरी फैक्ट्री से देंगे कि यूनिट को ही जाएगा? उसमें कोई पैसा के ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, वो हेडक्वार्टर का पेरेंट अकाउंट में से पैसा, मान लीजिए पेरेंट के पास में अब चार बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, तो सारे का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी हेडक्वार्टर की, तो हेड मतलब कि पैसे का ट्रांजेक्शन ही होगा, केवल आपके अकाउंट में से पैसा का ये बिल जाएगा, उनको पता रहेगा कि आपने कितना पैसा का सामान भेजा और कितने पैसे का सामान लिया। अब सारी चीजें, हाँ, टैक्स वगैरह लगना अब स्टार्ट हो गया, पहले इस पे जो IFDs रहती थी उसके ऊपर GST वगैरह में कुछ छूट थी, पर आज की डेट में वो छूट थोड़ा सा खत्म हो गई है। वो बहुत सारे मैटर कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग बच जाइए, क्योंकि विदिन एक ही सिटी में है, एक ही उसमें स्टेट में है, तो IGST GST अलग अलग उसके टर्म्स है, तो हमें GST वगैरह नहीं पढ़ना है, हमें केवल और केवल ये सर इंटर IFD के क्या इशू फिर है? तो इंटर IFD का तो अकाउंट अलग ही होता है ना सर? इंटर IFD का तो पैसा वो आपके पेरेंट अकाउंट में भी भेज सकता है, आपके इसमें भी भेज सकता है, चाइल्ड अकाउंट में भी। वो आपने मान लीजिए कि खमरिया फैक्ट्री ने इसको GCF को कोई माल सप्लाई किया, तो GCF के पास में जो हमने मैंडेट फॉर्म भेजा, अपनी फैक्ट्री का भेज दिया या MIL का भेज दिया, तो GCF उस अकाउंट में डाल देगी। अभी इसके ऊपर कोई फिक्स नियम नहीं बने हैं। ओके सर।
सर पेरेंट अकाउंट तो सात जितने भी डीपीएसयूज हैं सबका सेपरेट सेपरेट रहेगा ना सर, पेरेंट्स अकाउंट, पेरेंट अकाउंट सात कॉमन नहीं, सातों पीएसयूज का अलग अलग है। ओके सर। हेलो। हाँ हेलो सर, हाँ ये जो पहले फंड आता था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता था, अब डायरेक्ट इंडेंटर देते हैं जैसे आर्मी नेवी और एयरफोर्स। हाँ वो अभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स अभी भी कंसोल, पर हमारा एक सेपरेट अकाउंट पेरेंट अकाउंट खुल गया है तो कंसोलिडेटेड फंड होगा तो ये थ्रो सही होगा है? कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन होता है तो अपने सेपरेट अकाउंट के थ्रू से ही होएगा, डायरेक्ट आपकी किसी फैक्ट्री को जाएगा नहीं, नहीं वो सेपरेट अकाउंट से ही पैसा, पेरेंट अकाउंट से होगा या चाइल्ड अकाउंट से होगा, पर आर्मी नेवी एयरफोर्स आज की डेट में भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पेमेंट कर रही है। और सर ये आईएफडी में कौन कौन से आइटम हो सकते हैं? एफडी में कोई से भी आइटम, आप आइटम भर नहीं, आप सर्विसेज भी ले सकती हैं एक दूसरी फैक्ट्री से। अब मान लीजिए जीसीएफ गन बनाता है, तो यदि हमारे पास में गन है खमरिया फैक्ट्री के पास, तो गन को रिपेयर भी कराना है तो हम रिपेयर करा सकते हैं। अब हमारी फैक्ट्री से आपकी फैक्ट्री में हमारा एक्सप्लोसिव वैन गई, तो एक्सप्लोसिव वैन गई और उसको डीजल की जरूरत पड़ी, तो डीजल भी आप हम उसको गाड़ी में देंगे और आईएफडी हम यहाँ से प्लेस करेंगे और आप को पेमेंट होगा उसके बेस पे। जी सर, थैंक यू सर। और सर, हाँ बोलिए सर, जो डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 60% बिफोर सप्लाई ऑफ आइटम और 40% आफ्टर सप्लाई ऑफ आइटम, क्या इसमें इंटर आईएफडी में भी ये रूल्स लागू होता है सर? हाँ बिल्कुल, इंटर आईएफडी में भी ये रूल्स लागू हो गए। अभी अभी थोड़े से और इसके चेंजेस आए हैं प्राइसिंग। पहले मान लीजिए कि एक रेट लिस्ट जारी कर दी जाती थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा कि इसी रेट पे आपको दूसरी फैक्ट्री को माल सप्लाई करना है, पर आज की डेट में मान लीजिए खमरिया को जीसीएफ से कोई सामान लेना है तो जीसीएफ उसका एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड कॉस्ट भेजेगा कि हम आपको इतने में सप्लाई करेंगे, फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हाँ हम उतने में लेंगे कि नहीं लेंगे, नेगोशिएशन होगा, फिर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, है ना। अब वो फिक्स नहीं रह गया है कि ओएफबी ने एक प्राइस फिक्स कर दिया, उसी पे माल लेना है और देना है। अब दोनों फैक्ट्रीज के बीच में डिस्कस होगा, करेस्पोंडेंस होगा, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ठीक, इसकी प्राइसिंग वगैरह का सिस्टम भी थोड़ा सा प्रॉफिट मेकिंग हो गया, तो प्राइसिंग वगैरह में भी अभी परसेंटेज वगैरह डिसाइड नहीं हुए कि किस फैक्ट्री से कितना लेना है, पर धीमे धीमे चीजें डिसाइड होंगी। अभी सारी चीजें इस्टेब्लिश हो रही हैं, सारी चीजें बदल रही हैं, जैसे जैसे एक दूसरी फैक्ट्री को लग रहा है कि ये चेंजेस आने चाहिए, ये चेंजेस आने चाहिए, वो सारे, जैसे कि हमने एस्टीमेट पढ़ा प्रोविजनल एस्टीमेट, तो प्रोविजनल एस्टीमेट मतलब सर, किसी चीज के। हेलो सर। हाँ बोलिए। आज की डेट में, आज की डेट में सेंट्रल डिमांड जैसी कोई चीज बची नहीं है। सेंट्रल डिमांड